लोकसभा चुनावों को लेकर जहां पूरे प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में दावेदारी पेश करने के लिए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनावों की चारों सीटों के लिए 31 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। वहीं 4 फरवरी को चुनावी समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी की प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल तथा अन्य सदस्य आवेदकों के आवेदन पर चर्चा करेंगे। समिति के सदस्य आवेदनों की छंटनी कर फाइनल सूची हाईकमान को भेजेंगे। सोमवार को शिमला संसदीय क्षेत्र से अमित नंदा, सुरेंद्र गर्ग तथा कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व MLA सोहन लाल ने दावेदारी पेश की। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के पुत्र अभिषेक राणा ने आवेदन भरा है। आवेदकों ने आज अपने आवेदन कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा को सौंपे। पूर्व MLA सोहन लाल, अमित नंदा तथा सुरेंद्र गर्ग ने कहा कि आज उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र से आवेदन भरा है। तीनों आवेदकों ने हाईकमान पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्होंने आवेदन किया है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद भी जिसे भी टिकट मिलेगा वे उसके लिए कार्य करेंगे। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश करने वाले अभिषेक राणा ने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, टिकट के लिए आवेदन करना एक कार्यकर्ता का हक है। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला हाईकमान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उसके बावजूद भी वे उम्मीदवार का साथ देंगे जिसे पार्टी टिकट देगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सोमवार को शिमला तथा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उनके पास आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक आवेदक आवेदन कर सकते हैं, उसके पश्चात 4 फरवरी को राज्य चुनाव समिति की बैठकों में आवेदन पर समिति के सदस्य चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा आवेदकों से उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और उसी सूची को हाईकमान के पास भेजा जाएगा। अभी कांग्रेस ऑफिस में कितने आवेदन आ चुके हैं और कहां कहां से आए, सभी सीट्स के लिए? हमारे जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और हमारे पास हमीरपुर पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट, कांगड़ा पार्लियामेंट से आवेदन आ रहे हैं और फोन्स भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, कुछ लोगों ने पंडितों से टाइम दिखाया हुआ है तो उसके आधार पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और लोग आ रहे हैं। अभी कब तक की चलने वाली ये हमारी जो प्रक्रिया है, 31 जनवरी तक चलेगी और 4 फरवरी को जो है स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी की मीटिंग होगी जिसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे नाम और उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए भी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके लिए भेज दी जाएगी।